अपना नाम बता दें जी। आई एम विलास देशपांडे फ्रॉम वे मोबिलिटी, आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। विलास जी, ये जो गाड़ी हम देख रहे हैं अभी आपके पीछे है, इसके बारे में बताइए, ये अभी कॉन्सेप्ट कार है, आप लोग का क्या विजन है इसको? तो ये देखिए, हम इसको एक नया कैटेगरी बनाना चाहते हैं टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर व्हीकल्स के बीच में। ये स्पेसिफिकली सिटी यूज़ के लिए बनती है। इट इज़ ए सिटी मोबिलिटी व्हीकल, जिसको आउटसाइड इंडिया मिनी मोबिलिटी भी कहते हैं। सो इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन फॉर पीपल वॉन्टिंग ए सिंपल ईजी सोल्यूशन टू गो टू वर्क, गो टू ग्रोसरी शॉपिंग, मीट देयर फ्रेंड्स इन साइड द सिटी। और पूरी बड़ी गाड़ी का kind of elaborate weight and kind of footprint ले जाने की जगह पे they can drive a smaller vehicle like this। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्या होगा जब आप इसको लॉन्च करेंगे? Sure. तो गाड़ी का रेंज 250 किलोमीटर्स होगा। इट इज़ अ वेरी वेल कनेक्टेड कार, तो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो प्ले और एप्पल कार है, बिल्ट इन है। वी ऑल्सो हैव ए वेरी वेल डेवलप्ड IoT सिस्टम, जिससे गाड़ी का मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखा जाएगा। द कार कैन कैरी टू अडल्ट्स एंड वन चाइल्ड। इट इज़ अगेन इंटेंडेड फॉर सिंगल पर्सन और टू पीपल यूज, टिपिकल यूज केसेस वही होते हैं सिटी के अंदर। विद द रेंज पीपल कैन गो फॉर अ वीक विदाउट हैविंग टू चार्ज इट अगेन। इसमें सोलर रूफ भी है, जिसकी वजह से इसमें सोलर रूफ भी है, जिसकी वजह से द कार विल बी एबल टू गैदर एनर्जी फ्रॉम द सन ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर्स पर डे, जो बनता है साल में ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स पर ईयर। इट इज़ अ ह्यूज फीचर बिकॉज वी आर इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वेट टू साइज ऑफ व्हीकल रेंज, जिसमें हम ये डिलीवर कर सकते हैं। इससे बड़ी गाड़ियाँ जो है वो इतना रेंज डिलीवर नहीं कर पाए। इसके इंटीरियर्स को अगर आप हमें समझा पाए, अगर आप इंटीरियर्स तो सो इंटीरियर्स हमने ये पूरे ड्राइवर सेंट्रिक करे हैं, सो जिसकी वजह से आपके लिए जगह बहुत मिलेगी आसपास। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप सामान रखने के लिए, ब्रीफकेस रखने के लिए जगह रखी है हमने। हर जगह पे हमने कन्वीनियंस फीचर्स बिल्डिंग किए हैं जो आपको कम्यूट में लगते हैं। कनेक्टेड कार है, तो आपके म्यूज़िक कॉल्स जो आप इजीली ले सको विथ वेरी क्वाइट केबिन इंटीरियर। वी हैव द नैव सिस्टम लाइक आई सेड, और एंड्रॉयड या एप्पल कारप्ले से करवाएंगे। And then it's a electric car, so it's very simple to drive. Bas do pedal hai, you just have the accelerator and the brake, and it's therefore very easy to drive. Driver visibility bahut acha hai, samne bahut acha visibility milta hai, side mein bhi kafi hai. Upar aap dekhenge to yahan pe abhi humne sunroof lagaya hai is gaadi mein, so it creates a very nice feel for the driver themselves. And then it should become a easy choice for the family to go and drive. जब बड़ी गाड़ी खड़ी रहेगी बोलेंगे नहीं, हम छोटी गाड़ी लेके जाते हैं, अभी जल्दी काम करके। आखिरी सवाल, इंडियन यूजर स्पेसिफिकेशन के साथ साथ एक जो कैची पॉइंट होता है वो होता है प्राइस। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन फिर भी अगर इसका प्राइस पॉइंट होगा तो आप लोग क्या दिमाग में लेके चल रहे हैं? तो अभी ये थोड़ा अर्ली टाइम है प्राइस पॉइंट लगाने के लिए, बिकॉज हमारा काफ़ी डिटेल इंजीनियरिंग अभी बाकी है। लेकिन एक तरफ से हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर्स आज के टाइम पे 10-12 लाख में एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं, तो हमें हमारा प्राइस उसके नीचे लाना है। और वो अगले 6 या 12 महीनों में हम वो डिटेल वर्क करके वो प्राइस शेयर करेंगे। लास्ट सवाल है, इसमें सेफ्टी फीचर्स आप लोगों ने क्या रखे हैं? जी सो इसमें सेफ्टी फीचर्स एक रहे तो ये स्टील का मोनोकॉक बॉडी है जो किसी मॉडर्न कार का होता है। इसमें सीट बेल्ट्स है पैसेंजर और ड्राइवर्स के लिए। हमने इस पे ड्राइवर के लिए एयरबैग डलवाया है, और जो विजिबिलिटी और जो स्पीड पे लोग चलाते हैं सिटी के अंदर, उसके लिए हमने ओवर प्रोविजन किया है सेफ्टी, सो दैट किसी को ऐसा कुछ कंसर्न ना लगे कि मैं खुद जाऊं या मेरी बच्ची को गाड़ी में भेजूं। नोबडी शुड फील कंसर्न अबाउट दैट। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू।